At the Skill School, we envision each occupation as one that can be beneficial to society and the community we live in. That's why at KL School, we have created the concept of professionals being community helpers to encourage the children to become contributing members of their community and to work towards its betterment. Here are some of our community helpers. से मुलाकात करवाते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं, मगर हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर भी लिए जा रहे हैं। हम उनको कम्युनिटी हेल्पर के नाम से जानते हैं। Thank you.
सबका शुक्रगुजार हूँ और खास तौर पर मैडम सबीना कतरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारे बच्चों के लिए जो इन 7 महीनों में जो स्कूल में मेहनत जो कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ आप सब जो पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं उनके साथ भरपूर कोऑपरेट करें, आइंदा भी जो जिस तरह मैडम सबीना कतरी जो हमारे जैसे इलाके लियारी जैसे इलाके में इस लगन के साथ जो मेहनत कर रही है, आजकल तो अपनों के लिए वक्त नहीं होता लोगों के पास, जिस तरह मैडम कतरी साहिबा जो हमारे बच्चों को जो है ना पढ़ा रही है और मेहनत कर रही है, इसके लिए मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पेरेंट्स की तरफ से। थैंक यू। आपके फादर जो हैं आप भी आए स्टेज पर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू अल्लाह आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं, एक तो कहते हैं ना कि माँ बाप जो है वो बच्चों की पहचान होती है, और आज जो हमारे बच्चे हैं हम उनकी पहचान बन गए हैं। जो हम यहाँ खड़े हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम समझते हैं कि इसमें मैडम ने और जितने भी मैडम को जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हत्ता कि देखा जाए तो आजकल के दौर के अंदर इतना कोई किसी के लिए नहीं करता, हत्ता कि एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए खातिर नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन मैडम ने जो करके दिखाया आज वो एक मिसाल बन गया हम सब के लिए। और हम सब पेरेंट्स चाह रहे हैं कि इतना इंकरेज करें आज के लिए ताकि हर वो इंसान जो पढ़ने की ख्वाहिश रखता है और जो शायद नहीं पढ़ सकता, आज हम में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, मुझे शर्म नहीं आ रही कहने में कि हम शायद अपने बच्चों को पढ़ा भी ना सकें, लेकिन मैडम सबीना वाकई इज़ अ ग्रेट और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो नहीं होती तो शायद हम आज यहाँ खड़े नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अपनी नानी से बहुत प्यार था और इसकी नानी एक घने जंगल में रहती थी। उन्होंने उसे लाल कोट बनाकर गिफ्ट दिया था जिसे वो हर वक्त पहने रखती थी, इसलिए इसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड कर दिया। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद है और इस कहानी को बच्चे सुनकर ये समझ जाते हैं कि हमें रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। चले आए लिटिल रेड राइडिंग हुड के घर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। Yeah, yeah, yo. I'll be fine.
बैठा था। चलें जंगल में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है।